हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। ये लेसन प्लान वाणिज्य विषय का है, यानी कॉमर्स। आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, जिनका जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो बीएड कर रहे हैं, अभी उनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा, उनको लेसन प्लान बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो थोक व्यापारी का है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, आप ज़रूर देखें। और आप अपनी फाइल में या फिर अगर जैसे आपके कॉलेज में बताया जा रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाठ योजना संख्या आपको डालनी है, यहाँ पर पाठ योजना संख्या ये 16 है। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। ठीक, यहाँ पे हमारा जो विषय है वो वाणिज्य है, कॉमर्स का है। प्रकरण यानी टॉपिक है थोक व्यापारी, तो आप इस टॉपिक पे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है, छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना। तीसरा है, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है, छात्रों में वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न कराना। छात्रों को व्यवहारिक जीवन समस्याओं को समझने योग्य बनाना। आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं अपनी फाइल पे। सिक्स्थ पॉइंट है, छात्रों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के योग्य बनाना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपको तीन कॉलम बनाने हैं, क्रमांक, स्तर, उद्देश्य। फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर ज्ञानात्मक स्तर, जिसमें दो पॉइंट लिखे गए हैं। आप चाहे तो एक पॉइंट या फिर तीन पॉइंट लिख सकते हैं। पहला है, छात्र थोक व्यापारी को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है, छात्र थोक व्यापारी के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोध स्तर, जिसमें दो पॉइंट हैं। पहला है, छात्र थोक व्यापारी की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, छात्र थोक व्यापारी के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। BTC के बच्चों को और BEd के बच्चों को लेसन प्लान बनाना होता है, जिसकी टीचिंग आपको किसी स्कूल में करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे अनुप्रयोग स्तर। फर्स्ट पॉइंट, छात्र विभागीय भंडारों के बारे में जानकर उनकी सेवाओं का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा, छात्र थोक व्यापारी की विशेषताओं के बारे में पूर्व कथन दे सकेंगे। फोर्थ स्तर है विश्लेषण स्तर, जिसमें है, छात्र थोक व्यापारी की सेवाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र थोक व्यापारी के कार्यों के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है संश्लेषण स्तर, जिसमें है, छात्र थोक व्यापारी की सेवाओं के बारे में तर्क कर सकेंगे। आपको ये सारी फाइल जो भी लिखने वाला वर्क है वो आपको लाइन वाले पंचेस में करना है। सेकंड पॉइंट है, छात्र थोक व्यापारी के वर्गीकरण का सामान्यकरण कर सकेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है मूल्यांकन स्तर। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा ब्लर है, PDF क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको डिक्टेट करके बता दे रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। मूल्यांकन स्तर की बात करते हैं तो हम देखेंगे दो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट है, छात्र थोक व्यापारी की सेवाओं का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। दूसरा है, छात्र थोक व्यापारी के वर्गीकरण का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके बाद आपको सहायक सामग्री लिखनी है। सहायक सामग्री में इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप चाहे तो इसे इन्होंने पैरा में लिखा है, जैसे सेंटेंस के फॉर्म में, आप चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे जो भी सामान आप ले गए हो टीचिंग के दौरान अपनी, तो आपको वो लिखना है। जैसे पॉइंटर है, रोलर बोर्ड है, डस्टर है, चॉक है, जो भी आप ले गए। अगर आप मॉडल ले गए तो मॉडल लिखिए। यहाँ पे इन्होंने चार्ट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने लिखा है। पहला है, थोक व्यापारी की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट। दूसरा है, थोक व्यापारी के कार्यों को दर्शाता हुआ चार्ट। तीसरा है, थोक व्यापारी की विशेषताओं को दर्शाता हुआ चार्ट। इन्होंने चार्ट का यूज़ ज़्यादा किया। उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान, यानी प्रीवियस नॉलेज।
पूर्व ज्ञान में लिखेंगे आप छात्रों को व्यापार की सामान्य जानकारी है। उसके बाद प्रस्तावना पर प्रश्न आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके क्वेश्चन जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन पूछा है तो उससे जो आंसर आएगा उसी से दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। तीन आपको कॉलम बनाने, पहले क्रमांक, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया। पहला प्रश्न है आपकी आवश्यकताओं की वस्तुएं कौन सी हैं। तो बच्चे बताएंगे हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं कपड़े, जो भी वो क्या कहते हैं यूज़ करते हैं वो बताएंगे। कपड़े हो गए, खाना हो गया, किताबें हो गए, साइकिल हो गया, कुछ भी। अब वहाँ से फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है, वस्तुएं कहाँ निर्मित होती हैं, यानी कहाँ बनती है। तो बच्चे बताएंगे वस्तुएं कारखाने में निर्मित होती हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कारखानों में वस्तुओं को निर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बच्चे उत्तर देंगे कारखानों में वस्तुओं को निर्मित करने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। फिर है प्रश्न चार, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है। बच्चे बताएंगे वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक करता है। उसके बाद प्रश्न पाँच है, उत्पादक किसको वस्तुएं बेचता है। तो अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो पता है लेकिन शायद ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है जिसमें आप लिखेंगे, छात्रों आज हम थोक व्यापारी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जब बच्चे यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न के बारे में आपको अपने टॉपिक को बताना है कि आज बच्चे क्या पढ़ेंगे। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालनी, फिर इसमें आपको फोर कॉलम्स बनाने हैं जिसमें पहला होगा क्रमांक का, फिर शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। इसमें है विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न एक, थोक का अर्थ क्या होता है। बच्चे बताएंगे थोक का अर्थ अधिक मात्रा से है। उसके बाद प्रश्न दो, थोक व्यापारी के से क्या आशय है। अब ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कि थोक का मतलब ज़्यादा होता है, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, लेकिन थोक व्यापारी उनको कहीं ना कहीं नहीं पता होगा या फिर कम बच्चों को पता होगा। तब जो प्यूपिल टीचर है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो बताएंगे कि थोक व्यापारी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर है ये थोक व्यापारी का अर्थ आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है, उसके सामने आपको लिखना है स्पष्टीकरण। थोक व्यापारी से आशय एक ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल क्रय करके अथवा आवश्यकता अनुसार माल का संग्रहण करके फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करता है। इस प्रकार यह ना तो किसी वस्तु का उत्पादक या निर्माता ही होता है और ना ही उसका फुटकर विक्रेता व्यापारी, वरन वह तो उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों अथवा उपभोक्ताओं के मध्य की कड़ी होती है। इस प्रकार वे सभी, ये आपका एक्सप्लेनेशन बुक से मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको भी बुक की हेल्प से वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बच्चे सुन रहे तो आप लिखेंगे सुनेंगे, और अगर बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि छात्र लिख रहे हैं या फिर छात्र लिखेंगे। उसके बाद उसी के जस्ट सामने, इस पेज के सामने यानी राइट हैंड साइड पर आपको दूसरा पंच यूज़ करना है जिसमें आपको तीन कॉलम्स बनाने हैं। पहला होगा शिक्षण प्रविधि विधि का, फिर है सहायक सामग्री, फिर श्यामपट कार्य। इसमें इन्होंने पहले क्वेश्चन आंसर पूछा था तो प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद इन्होंने चार्ट का यूज़ किया होगा क्लासरूम में समझाने के दौरान, और वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स लगा दी हैं तो ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, अट्रैक्टिव भी, और प्लस आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे इसमें। फिर है व्याख्या विधि, यानी जो प्यूपिल टीचर है उन्होंने टॉपिक को समझाया था इसीलिए यहाँ पे व्याख्या विधि लिखी गई है। फिर वहाँ पे उन्होंने चार्ट का यूज़ किया होगा और यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स चिपकाई हैं। आपकी फाइल जितनी अच्छी बनेगी आपको मार्क्स उतने ही और अच्छे मिलेंगे, तो अपनी फाइल अच्छे से बनाइए, डेकोरेट करिए, फिर इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है जिसमें फोर कॉलम्स फिर बनेंगे। फिर क्रमांक है, शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। यहाँ पर लिखा है
व्यापारी प्रतिनिधि तथा संग्रहकर्ता जो उत्पादकों तथा फुटकर व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करते हैं थोक व्यापारी कहलाते हैं, जैसे लोहे का थोक व्यापारी, लकड़ी अथवा सीमेंट का थोक व्यापारी आदि। अब फिर से है विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न एक, उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारी अथवा उपभोक्ता के मध्य की कड़ी कौन होता है? उत्तर है, उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारी अथवा उपभोक्ता के मध्य की कड़ी थोक व्यापारी होता है। प्रश्न दो है, थोक व्यापारी की कोई परिभाषा बताइए। अब ये अस्पष्ट उत्तर है, ये इनको सामने लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती ना हो आपकी फाइल में। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है थोक व्यापारी की परिभाषाएं, तो आपको स्पष्टीकरण लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। थोक व्यापारी के संबंध में दी गई प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने और डिफरेंट डिफरेंट राइटर ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दी है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर हल्ले के अनुसार, जिसमें उन्होंने कहा था थोक व्यापारी के विपणन व्यक्ति, अब ये आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और राइट हैंड साइड ये आपको लिखना है, शिक्षण प्रविधि विधि और सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया गया था इसलिए उदाहरण विधि, और प्रश्न पूछे गए थे तो प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स पेस्ट की हैं। उसके बाद ये है, यानी ये जो पॉइंट था प्रोफेसर हल्ले के अनुसार, उसके बाद राइट हैंड साइड में आप ये बनाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखेंगे, क्रमांक शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। आप जितनी बार अगर पंच यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे फिर से वही चीज़ें बनानी है और हेडिंग भी एज इट इज़ लिखनी है। हो यहाँ देखिए, जैसे प्रोफेसर हल्ले के अनुसार क्या है, थोक व्यापारी वे विपणन व्यक्ति होते हैं जो फुटकर व्यापारी तथा निर्माता या उत्पादक के मध्य का स्थान ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद है एस ई थॉमस के अनुसार क्या कहा गया है। एस ई थॉमस के अनुसार ये कहा गया कि जो थोक व्यापारी होते हैं ऐसा व्यापारी है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को सुविधाजनक मात्रा में पुनः बिक्री करता है। फिर है विकासात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न पहला है थोक व्यापारी किससे माल क्रय करते हैं। थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करता है। प्रश्न दो, थोक व्यापारी के कार्य बताइए। अब ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन इजी पूछना है और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछना है। फिर थर्ड पॉइंट है थोक व्यापारी के कार्य अब क्या होते हैं, तो इसमें स्पष्टीकरण हेडिंग आप डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे व्यापारिक क्षेत्र में एक थोक व्यापारी वस्तुओं का केवल क्रय विक्रय ही नहीं करता वरन विपणन संबंधी अनेक कार्य भी करता है। इसके अब यहाँ तक आपने जब लिखा तो ये तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपने पंचेस लगाए हैं, उसके राइट हैंड साइड में आपको ये लिखना है शिक्षण प्रविधि, फिर से हेडिंग, फिर सहायक सामग्री और श्यामपट का, जिसे आपको राइट हैंड साइड में अपनी फाइल में लगाना है। प्रश्न प्रदर्शन विधि, यहाँ पे टीचर ने जो प्यूपिल टीचर थे उन्होंने चार्ट दिखाया था इसलिए यहाँ पे प्रदर्शन विधि लिखा गया है, और सहायक सामग्री में ये चार्ट में इन्होंने लिखा होगा डेफिनेशन किसके अनुसार, प्रोफेसर हल्ले के अनुसार और एस ई थॉमस के अनुसार, तो इन्होंने यहाँ पे छोटा सा एक आइकन टाइप का यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद है फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फोर कॉलम्स आपको बनाने और जिसमें लिखना है क्रमांक शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया, जिसमें लिखा है प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। थोक व्यापारी के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, पहला वस्तुओं का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण करना, फिर दूसरा है उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों को आर्थिक सहायता देना, तीसरा है माल का संग्रहण वर्गीकरण एवं संवेष्टन यानी पैकिंग करना, फोर्थ है वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, फिफ्थ है उत्पादकों को बाजार संबंधी सूचनाओं से अवगत कराना। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जिसमें इन्होंने पहला प्रश्न पूछा थोक व्यापारी किन लोगों से जुड़ा होता है, तो उसका उत्तर है थोक व्यापारी उत्पादक तथा फुटकर विक्रेता से जुड़ा होता है। प्रश्न दो है थोक व्यापारी की विशेषताएं बताइए, तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा।
फिर आपको तीन कॉलम बनाने, शिक्षण प्रविधि और विधि, सहायक सामग्री शाम पटकार। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपने व्याख्या की तो व्याख्या विधि लिखेंगे उसके सामने, अगर आपने प्रश्न उत्तर पूछे तो प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, अगर आपने चार्ट दिखाया या मॉडल दिखाया तो आप प्रदर्शन विधि लिखेंगे। उसके सहायक सामग्री में आपने चार्ट का यूज़ किया तो इन्होंने यहाँ पे चार्ट का जो जिसमें जो जो पॉइंट उन्होंने चार्ट में लिखे थे वो पॉइंट यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। फिर है फोर्थ पॉइंट है थोक व्यापारी की विशेषताएं। अब थोक व्यापारी की क्या विशेषताएं होती हैं? एक थोक व्यापारी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, एक ही वस्तु में व्यापार। थोक व्यापारी एक ही वस्तु या एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। दूसरा, वस्तुओं का वर्गीकरण। खरीदी हुई वस्तुओं को उनके गुण के अनुसार वह अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने का कार्य करता है। थर्ड है मांग पूर्ति संतुलन। वस्तुओं की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है फोर्थ पॉइंट, बड़ी मात्रा में क्रय। थोक व्यापारी उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। थोक व्यापारी उत्पादक और फुटकर विक्रेता दोनों को ही वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर है तीन कॉलम्स आपको फिर बनाने, जिसमें शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री, श्याम पटकार, व्याख्या विधि एवं प्रदर्शन विधि। फिर आपने जो चार्ट यूज़ किया होगा या फिर आप जो बनाना चाहते होंगे उसका छोटा सा एक कटिंग करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है थोक व्यापारी की विशेषताएं क्या, आप पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं या फिर आप एज अ फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। एक ही वस्तु में व्यापार, दूसरा पॉइंट है वस्तुओं का वर्गीकरण, तीसरा है मांग पूर्ति संतुलन, फोर्थ है बड़ी मात्रा में क्रय और फिफ्थ है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। अब यहाँ पे श्याम पटकार में जो लिखा गया है वस्तुओं का वर्गीकरण और मांग पूर्ति संतुलन, ये प्यूपिल टीचर ने उस वक्त पढ़ाते समय लिखा होगा ब्लैक बोर्ड में, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप भी जो जो वहाँ पे पढ़ाएंगे वो श्याम पटकार में आपको मेंशन करना है कि आपने ये बताया है बच्चों को। उसके बाद जब ये हो जाता है तो हमें लिखना है बोधात्मक प्रश्न, हेडिंग डालनी है। उसके बाद इसमें आप चार या तीन या फिर पांच क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रश्न एक है थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। दूसरा प्रश्न है थोक व्यापारी किन व्यापारियों को माल बेचता है। थर्ड पॉइंट है थोक व्यापारी माल को कहाँ पर रखता है, दुकानों पर या गोदामों में। प्रश्न चार है थोक व्यापारी के दो कार्य बताइए। प्रश्न पाँच है थोक व्यापारी की दो विशेषताएं बताइए। अगर बच्चों ने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा या फिर समझा होगा तो वो बच्चे आंसर देंगे। फिर है श्यामपट सारांश यानी ब्लैक बोर्ड समरी। आपने जितना भी वक्त यहाँ पे जब पढ़ाने के दौरान आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया होगा उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं बोधात्मक प्रश्न में तो उसका उत्तर बच्चे देंगे, तो इन्होंने यहाँ पे उत्तर लिखा है। उसके बाद निर्देश हेडिंग डालनी है और निर्देश में आपको लिखना छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पट पर कार्य करने का निर्देश देंगी तथा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद आपको लिखना पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें आप सही गलत या फिर सत्य असत्य रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे हाँ अथवा नहीं में उत्तर देने के लिए कहा है। जैसे पहला प्रश्न है थोक व्यापारी के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्या ये बात सही है, हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है, यानी आपको नहीं बच्चों को। फिर सेकेंड पॉइंट है थोक व्यापारी मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करते हैं। थर्ड पॉइंट है थोक व्यापारी विभिन्न वस्तुओं में व्यापार करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कई बार थोक व्यापारी के कार्यों से चोर बाजारी को बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है थोक व्यापारी उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। फिर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है, जिसमें आप बच्चों से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या फिर किसी की डेफिनेशन परिभाषा पूछ सकते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है थोक व्यापारी के कार्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ में आपने जिस जिस किताब से ये इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ उस किताब के राइटर का नाम, पब्लिकेशन का नाम
ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इन्होंने इस किताब से हेल्प ली है जिसका नाम है मित्तल, डॉक्टर मिथिलेश, ये राइटर के नाम है। उसके बाद ए ए कॉमा एम कॉम, फिर है PhD रीडर कॉमा, फिर वाणिज्य विभाग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको इससे हेल्प मिलेगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए हैं, हिंदी मीडियम के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप लोग अपनी लेसन प्लान की फाइल अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।